अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल इजी रगड़ा की रेसिपी। एक सीक्रेट मसाले के साथ हम स्ट्रीट फूड स्टाइल रगड़ा बनाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम सफ़ेद वटाना, जिसे हमने 8 से 10 घंटे भिगो कर रख दिया था। नमक स्वाद अनुसार और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर हम डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें एक बार मिक्स कर लेना है। इसे हमें प्रेशर कुक कर लेना है, 1 से 2 सीटी लगाकर इसे हमें अच्छी तरीके से गला लेना है। आप देख सकते हैं वटाना जो है बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, पक चुका है। इस तरीके के बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, ज़रा भी हार्ड नहीं रहने चाहिए। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है। साथ ही मुट्ठी भर फ्रेश हरे धनिया के पत्ते हम काट कर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सीक्रेट मसाला डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून रोस्टेड मसाला पाउडर डाला है। रोस्टेड मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 5 टेबलस्पून जीरा, 3 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 8 से 10 कश्मीरी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है और इसका पाउडर बना लेना है, इसे ग्राइंड कर लेना है। इसे पीस कर हम अलग रख देंगे और उसमें से 1 टेबलस्पून हमें यहाँ पर यूज़ करना है। साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 3 टीस्पून इमली की चटनी डाल देंगे। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 1/4 टीस्पून काला नमक डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ईजी रेसिपी है। इसे हमें ना प्याज फ्राई करना है, ना कुछ पकाने की ज़रूरत है। बस सफ़ेद वटाना बॉयल करना है और सारी चीज़ों को हमें ऐड कर देना है, मिक्स करना है। मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल मुंबई के स्ट्रीट फूड स्टाइल बनकर रेडी हो जाती है। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही ईजी और बिल्कुल टेस्टी रेसिपी है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।